बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन का बुगुल फूका गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से और 15 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो कहने का मकसद ये है कि 22 अक्टूबर से जो विधानसभा का इलेक्शन है उसके फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा और फॉर्म का एक्सेप्टेंस भी चालू हो जाएगा। 29 अक्टूबर लास्ट डेट है और 4 नवंबर 3 बजे तक अगर कोई चाहता है अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करने का वो कर सकता है और 3 बजे के बाद जो भी सिंबल है वो अलॉट हो जाएंगे। बड़ी पार्टी उसको छोड़ दीजिए, जो नेशनलिस्ट पार्टी उनको छोड़ दीजिए, उनका सिंबल तो फिक्स रहता है, लेकिन रीजनल पार्टी और इंडिपेंडेंट को सिंबल जो है 4 नवंबर को 3 बजे के बाद मिल जाएंगे। अभी जो 186 मुंबई देवी सीट है विधानसभा की, तो यहाँ पे 15th विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था 186 मुंबई देवी में वो 1978 में हुआ था और हाल फिलहाल में आमिर अली पटेल 2009 से वो इस सीट पे काबिज है। मुसलसल 3 बार से वो यहाँ के एमएलए, 2009, 2014, 2019, 2011 में जो सेंसस हुआ था 186 मुंबई देवी का, तो अनकरीब 2,50,000 यहाँ पे वोटर्स है जिसमें मुस्लिम सबसे ज्यादा है, 1,25,000 यानी 50% से ज्यादा यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स है। और जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2019 में तो 1,18,000 के समथिंग यानी 48% वोटिंग हुई थी, जिसमें अमीर अली पटेल को 58,952 सीट्स मिली थी, वोट्स मिले थे। तो कहने का मकसद ये कि अब ये जो इलेक्शन होने वाला है 20 नवंबर को जो इलेक्शन होने वाला है और 23 को जिसका डिक्लेरेशन होने वाला है, तो ये 186 की जो सीट है इस पे सभी की निगाह, अमीर अली पटेल ये तो सिटिंग एमएलए 186 मुंबई देवी से, लेकिन अदर शोएब खतीब भी इस रेस में, दिगत पार्टीज भी ये रेस में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद नईम शेख फाउंडर का नेशनल प्रेसिडेंट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, मैं भी अपनी किस्मत इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कर रहा हूं। मेरे पास पूरा रेडी डॉक्यूमेंटेशन है, 22 तारीख को फॉर्म स्टार्ट होगा, मेरी पूरा प्रिपरेशन है, मुझे सिर्फ 22 तारीख को फॉर्म लेना है, फॉर्म भरना है, एक एफिडेविट खाली मुझे बनाना है, बाकी सारा प्रिपरेशन है मेरे पास। और इंशाल्लाह 2 बजे के पहले मैं मेरा नॉमिनेशन फॉर्म 186 मुंबई देवी से भर दूंगा। और ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की कॉपरेशन है, हिम्मत है, मदद है, सजेशन है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हूं। क्योंकि जो मैं लास्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें मैं यही साउथ मुंबई से अपनी किस्मत आजमाया था और आप लोग ही थे मेरे अवेलेबल वोटर जिन्होंने मुझे 1715 वोट दिए। तो मैं पूर्व उम्मीद हूं इस बार भी मुझे 186 मुंबई देवी से फुल सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,25,000 के करीब सिर्फ मुस्लिम से, 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर से, और जिसने भी 30-35,000 वोट ले लिया वो विनिंग है। अब तो मुकाबला बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुस्लिम यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे, उन्होंने भी अपनी पहल स्टार्ट कर दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एम पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तले मैं भी अपनी किस्मत 186 मुंबई देवी से कर रहा हूं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है मेरे वोटर्स, मेरे अवेलेबल वोटर्स, मेरे सपोर्टर्स, मेरे पार्टी वर्कर्स इस इलेक्शन में मेरी जीत के लिए बेइंतहा मेहनत करेंगे, मुझे वोट देंगे, रिस्पेक्टेबल वोट देंगे, ताकि मैं आगे चल के उनके लिए काम कर सकूं, उनकी जो तकलीफात है उनको दूर कर सकूं। स्पेशली लोगों को जो सबसे ज्यादा तकलीफ है वो बीएमसी से,
चाहे बिल्डर पार्किंग बेच दे उसकी इनको फिक्र नहीं है, चाहे बिल्डर दो चार माला ज्यादा बना ले उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन भोले वाले सिटीजन अगर अपने घर में एक ईंट भी लगा ले तो बीएमसी का हथौड़ा वहां पहुंच जाता। तो मेरे को अगर आप लोगों ने कॉपरेट किए, वोट दिए, मेरी जीत के लिए आप लोगों ने मदद किए, तो नईम शेख कैमरे पे आपसे वादा कर रहा है आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरे हाथ हवाले रहेंगी। आपको जो हैरेसमेंट होगा उसको सबसे पहले मैं फ्रंट पे लेके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मैं लोकल रेसिडेंट हूं, मैं बाहर का नहीं हूं। पूरी उम्मीद करता हूं मेरे वोटर्स, मेरे वेलेबल वोटर्स इस बार भी मुझे रिस्पेक्टेबल वोट देंगे, ताकि मैं उनके लिए अपनी खिदमत अंजाम कर सकूं।